गरीबी से ऊब कर जिसके कोरियोग्राफर ने कभी सुसाइड की कोशिश की, बेवक्त मौत के डर से जिसका कंपोजर कभी बन गया था सन्यासी, उसके बेटे ने दी नाटू नाटू को आवाज, 50 बैकग्राउंडर डांसर 400 जूनियर आर्टिस्ट ने 2 महीने में किया गाना तैयार, आखिरकार 15 साल बाद भारत को मिला ऑस्कर का ताज। आज पूरी दुनिया नाटू नाटू पर थिरक रही है, आज पूरा हिंदुस्तान नाटू नाटू पर गर्व कर रहा है, लेकिन RRR की फिल्म का गाना नाटू नाटू बनने के पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। जिस म्यूजिक कंपोजर M.M. किरवानी को ऑस्कर मिला है, एक वक्त था जो कभी असमय मृत्यु के डर से सन्यासी बन गए थे। 1.5 साल तक उन्होंने सन्यास धारण किया, उसके बाद वापस लौटे और नाटू नाटू को कंपोज किया। इस गाने को उन्हीं के बेटे काल भैरव ने अपनी आवाज दी है। आज जिस गाने के स्टेप्स पर दुनिया भर के लोग थिरक रहे हैं, उन्हें बनाने वाले कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित भी सुसाइड करते करते रुक गए थे। प्रेम रक्षित का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, परिवार चलाने के लिए पिता फिल्मों में डांस असिस्टेंट बन गए और प्रेम टेलर की दुकान में काम करने लगे। एक दिन गरीबी से डर कर प्रेम रक्षित आत्महत्या करने के लिए चेन्नई के मरीना बीच चले गए, क्योंकि उन्हें लालच था कि आत्महत्या करने से डांस फेडरेशन के लोग परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद दे देंगे। लेकिन सुसाइड से पहले प्रेम रक्षित को अचानक याद आ गई कि वो जिस साइकिल से बीच पर पहुंचे हैं वो किराए की है, अगर वो मर गए तो साइकिल वाला परिवार को परेशान करेगा, इसलिए वो साइकिल रखने के लिए घर आ गए। लेकिन घर आते ही उनके पिता का फोन आया कि प्रेम को एक फिल्म में एक्स्ट्रा डांसर का रोल मिल गया है। उसके बाद प्रेम ने सुसाइड का ख्याल छोड़ दिया। ऑस्कर जीतने वाले गाने नाटू नाटू को बनाने में पूरे 19 महीने लगे। चंद्र बोस ने फिल्म के लिए 20 गाने लिखे थे, लेकिन उन 20 में से नाटू नाटू को फाइनल किया गया। गाने का 90% हिस्सा तो सिर्फ आधे दिन में तैयार हो गया था, लेकिन 10% बचे हुए हिस्से को पूरा करने में 19 महीने लगे। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित ने गाने के स्टेप तैयार करने के लिए 110 मूव्स बनाए, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली को ऐसे स्टेप्स चाहिए थे जो दोनों दोस्त एक जैसा कर सके, लेकिन वहीं स्टेप्स इतने टिपिकल भी नहीं होने चाहिए कि कोई इसे कॉपी ही ना कर सके। लेकिन उसके बाद भी इस गाने को फिल्माने के लिए जूनियर NTR और रामचरण ने 18 टेक लिए थे। गाना बनने के बाद इसकी शूटिंग यूक्रेन के कीव स्थित प्रेसिडेंट के घर मोरेंस पैलेस में हुई थी। 4 मिनट 35 सेकंड के गाने की शूटिंग 20 दिन में 43 टेक के बाद पूरी हुई। इस गाने को कोरियोग्राफ करने में 2 महीनों का वक्त लगा। इसमें 50 बैकग्राउंडर डांसर और करीब 400 जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया। असत न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।